लोकसभा चुनाव में कंडो भटनोर उठाओ पेयजल योजना नेताओं के लिए गले की फांस बन सकती है। प्रदेश की पूर्व व वर्तमान दोनों सरकारों ने क्षेत्रीय लोगों की अनदेखी की है। योजना के बनते बनते 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को एक बूंद पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है। ये खबर पौटा साहब की है। तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस योजना का शुभारंभ और उद्घाटन किया था, लेकिन लोगों को फिर भी आज तक एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने इस बार चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है। लोकसभा चुनाव में कांडो भटनोल उठाऊ पेयजल योजना नेताओं के गले की फांस बन सकती है। प्रदेश की पूर्व व वर्तमान दोनों सरकारों ने क्षेत्रीय लोगों की अनदेखी की है। योजनाओं के बनते ही 12 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को एक बूंद पानी की नसीब नहीं हो पाई है। तत्कालीन प्रदेश मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने योजना का उद्घाटन किया था, लेकिन लोगों को फिर भी बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। अब गुस्साए ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का मन बनाया है। बता दें कि पिछले 12 सालों में कांग्रेस व भाजपा दोनों दलों ने बारी बारी प्रदेश में सरकार बनाई है तथा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को गुमराह करके योजना को पूर्ण करवाने का झांसा देते रहे। पूर्व सरकार ने तो छलावा किया है, लेकिन वर्तमान सरकार भी लोगों की समस्या को सुलझाने में खरी नहीं उतरी है। लोगों का कहना है कि योजना में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। पहले बनाने में सरकारी पैसों का गमन किया गया, फिर रिपेयर के लिए भी लाखों रुपए की राशि का गमन हुआ है। राजनीतिक लाभ लेने वाली कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री की उद्घाटन पट्टिका को भी लोगों ने ये कहकर तोड़ दिया है कि पूर्व सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। योजना बनी ही नहीं, फिर भी उद्घाटन किया गया। जब योजना पूरी ही नहीं हुई थी तो उद्घाटन क्यों किया गया? के साथ पानी लेने जा रहा हूँ। पानी की कमी है। पानी है नहीं घर में? नहीं। तो कितनी दूर से लाते हैं आप पानी? 1 किलोमीटर। तो रोज जाते हैं आप पानी लेने के लिए? रोज। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? पानी को, पानी की बहुत समस्या है, सूखी दहाड़ है। कई नेता आते हैं यहाँ, बोल के जाते हैं, करते कुछ नहीं। अभी यहाँ पर लोग मंच हुआ था, उस टाइम बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। और इस तरह अब आने वाले समय में हम भी उनको जवाब देंगे जब वो आएंगे। कब से है समस्या जी? ये तो समस्या कई समय से है जी। अच्छा जी। लिफ्ट स्कीम चली है, इसमें पानी आता नहीं। लोगों ने दिखा दिया मंत्रियों ने कि हमने चालू कर दी है, पानी इसमें आता नहीं। हम तो बड़े परेशान हैं इस वजह से। पशुओं की सबसे ज्यादा समस्या था, पशुओं की। जो भी आपके जो भी ले आएंगे, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई तब हम वोट देंगे, हमारा पहले डिमांड रखेंगे कि वोट नहीं देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। अभी भी मैं दोपहर को जो है ना इस समय भी पानी की कैनी के लिए ले जा रहा हूँ, और अब कई बारी जो है ना हम इनको पूरी ढंग से जो है ना छोड़ेंगे नहीं, पूरी बात करेंगे उनसे। जब इधर आएंगे ना वो लोग, तो पूरी बात करेंगे उनसे, छोड़ेंगे नहीं। अब समस्या जो है, 3 पंचायत की हमारी लिफ्ट बनी है जिसमें कि करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया, लेकिन जो हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पिछला अभी 2017 में इलेक्शन हुआ, उस दौरान जो कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी, राजा साहब ने आकर के, जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे, उन्होंने आकर के इसका उद्घाटन भी कर दिया। और ये 3 पंचायत की जो लिफ्ट है, इसमें इस समय मात्र 2 गांव में पानी जा रहा है, बाकी जो पूरे 3 पंचायत के गांव हैं उसमें पाइपलाइन तक नहीं पहुंची है। इस तरीके से बर्बाद जो हाल है, पाइपों की है जो टूटी है, चोरी हो गए हैं, लेकिन जो विभाग है उन्होंने अपने अंडर जो इस लाइन को ले लिया है, और उसके बाद इस पर कोई दुरुस्तीकरण नहीं हुआ है। हम जो पिछला भी ये जो इलेक्शन का मुद्दा बना था, अब लोकसभा के भी जो चुनाव आ गए हैं, फिर से भी ये मुद्दा हमारा है कि इस पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाए। अगर इसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो 3 पंचायत के जो लोग हैं वो किसी न किसी स्टेप पे पहुँचेंगे, किसी न किसी अंजाम पे पहुँचेंगे, जिसमें कि राजनीति की बिहाव पे जो हमारी राजनीति पार्टियाँ उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंचायत की महिलाएं पानी न मिलने से काफी परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि दिनचर्या के कामों को निपटाने के लिए भी पानी दूर दूर से ढोकर लाना पड़ता है। कई बच्चों को स्कूल से अनुपस्थित होकर अपने बुजुर्गों के साथ पानी के लिए जाना पड़ता है। पानी न मिलने से घरेलू कार्य में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर इन नेताओं ने अपनी समस्या का समाधान नहीं किया तो महिला शक्ति अब जाग चुकी है और लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का मन बनाया है। पानी की बहुत समस्या है, हम सूखीदार पे रहते हैं, यहाँ पे लिफ्ट यहाँ पे 10 साल से चालू ऐसे लागू किया है, यहाँ पे पानी नहीं है लिफ्ट में। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें पानी की ये दिक्कत दूर हो, सरकार को वोट नहीं देंगे। कार्यक्रम में वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।